हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत इस नए वीडियो में। इस वीडियो बात करने वाले हैं बिहार राशन डीलर भर्ती 2021 के बारे में। जी दोस्तों, बिहार के एक और अनुमंडल और डिस्ट्रिक्ट में जो है बिहार राशन डीलर की बहाली निकाली गई है। कितना पद है, किस किस पंचायत में, किस किस वार्ड में जो है राशन डीलर की बहाली निकाली गई है, इसकी पूरी डिटेल्स बताएंगे और उसके साथ साथ जानेंगे कैसे आपको आवेदन करना है, स्टेप बाय स्टेप आवेदन करने की प्रोसेस क्या है। तो ए टू जेड जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आए। और अगर आप इस डिस्ट्रिक्ट से नहीं आते हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, तो आपको कैसे पता करना है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जो है राशन डीलर की बहाली आएगी कि नहीं आएगी, तो वीडियो पूरा कंप्लीट देखिएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाले बटन दबा के चलो सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी दबाएं और वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और मोटिवेट मिले इस तरह के वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे और आपको सबसे पहले गूगल ओपन करनी है मोबाइल में या कंप्यूटर में और सर्च करनी है डीएस हेल्पिंग फॉरएवर। इस वेबसाइट पे जैसे आप आएंगे तो आपके सामने यहाँ पे इस तरह सर्च करेंगे तो आपके सामने dshelpingforever.com एक वेबसाइट दिखाई देगा। इस वेबसाइट पे आपको ओपन करना है। इस वेबसाइट पे क्यों आना है, क्योंकि यहाँ से जो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, पूरी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी। आप यहाँ पे आएंगे तो आप एक बार क्या करेंगे, एक बार पेज को रीलोड करेंगे। यहाँ से आएंगे, एक बार पेज को रीलोड करेंगे तो यहाँ पे रीलोड होगा और आपको यहाँ पे एक पोस्ट दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लाइव अपडेट वाले सेक्शन में बिहार राशन डीलर आवेदन 2021 इस डिस्ट्रिक्ट में भी आया भर्ती। यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको मिल जाएगा, सरकारी योजना वाले सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे सेक्शंस बने हुए हैं, सरकारी जॉब का है, सरकारी रिजल्ट है, एडमिट कार्ड है, तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा बिहार राशन डीलर आवेदन 2021 इस डिस्ट्रिक्ट में आया भर्ती। फ्रेंड्स, तो आप जो दोनों में से कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं काफी सारी और भी यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, जैसे इंडियन एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप एडमिट कार्ड आया हुआ है, बीपीएससी असिस्टेंट का फॉर्म आया, हिमाचल प्रदेश एसएससी का आया है, तो आप काफी सारी यहाँ से चीजों को चेक कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ क्लिक करते हैं राशन डीलर आवेदन 2021 के ऊपर। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या होगा, इस प्रकार से जो है पोस्ट ओपन हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात ये फ्रेंड्स की किस डिस्ट्रिक्ट में आया है, कौन लोग आवेदन कर सकता है, तो उसके बारे में यहाँ पे जानकारी देते हैं। लेकिन यहाँ पे आप जो है नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, आपको यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। इसका जो लास्ट डेट है फ्रेंड्स 30 अप्रैल तक है, यानी 30 अप्रैल तक आपको जो है फॉर्म को फिल कर देनी है। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। इसमें जो केवल मैट्रिक पास मांगा जाता है और उसके बाद अगर आपको कंप्यूटर नॉलेज है तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको जो है वार्ड वाइज वैकेंट सीट यहाँ पे बोला गया, मतलब कहाँ कहाँ सीटें खाली हैं इसकी जानकारी यहाँ पे बताई गई है और ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी यहाँ पे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे ऑफिशियली वेबसाइट भी आपको मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ वार्ड वाइज वैकेंट सीट। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक जो है गूगल ड्राइव का जो है एक पीडीएफ फॉर्म यहाँ पे ओपन होगा, देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो है इसको आपको डाउनलोड कर लेनी है। अब जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे डाउनलोड करिएगा, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं इस नोटिफिकेशन के माध्यम से जो है इस वेबसाइट पे मैंने सारी इन्फॉर्मेशन को लिखा हुआ है आसान भाषा में, आप एक बार यहाँ से एक नज़र में जो है जानकारी ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको जो इस नोटिफिकेशन के माध्यम से बताने वाले पूरी इन्फॉर्मेशन को, तो देखिए यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है वो है अनुमंडल कार्यालय पालीगंज पटना, यानी पटना में जो है एक कार्यालय है अनुमंडल कार्यालय पालीगंज, वहाँ की ये वैकेंसी निकाली गई है। लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि अगर आप इस डिस्ट्रिक्ट से नहीं आते हैं, मतलब इस अनुमंडल से नहीं आते हैं, तो आप कैसे पता करेंगे कि आपके जो है अनुमंडल में बहाली कब आएगी और कैसे आपको पता करना होता है। जो मैं पता करता हूँ लगातार, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर मैं लगातार कई जिलों का जो है यहाँ पे राशन डीलर की बहाली के बारे में जानकारी दे चुका हूँ, तो मैं किस प्रकार से खोजता हूँ इसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पे जो है बोला गया है कि जिला आपूर्ति शाखा, आपूर्ति शाखा मतलब जो है आपको पता ही है पटना के पत्रांक संख्या इतना द्वारा पालीगंज अनुमंडल के अंतर्गत उचित मूल्य के नई अनुज्ञप्ति से संबंधित जो है आपको यहाँ पे मतलब दुकान की जो है यहाँ पे कुल 17 रिक्तियों को भरने हेतु पंचायत वार्ड के स्थायी निवासी से भी पत्र आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। मतलब जो है पालीगंज जो अनुमंडल है वहाँ पे जो है 17 जो है रिक्तियाँ खाली हैं। अब उस पंचायत उस वार्ड से अगर आप निवासी हैं, मैं अभी बताऊंगा कहाँ कहाँ खाली है, तो आप जो आवेदन कर सकते हैं, बाकी लोग यहाँ पर आवेदन नहीं करेंगे। अब यहाँ पर जो आवेदन जमा करने की विधि और फॉर्म, मतलब आपको जो है किस प्रकार से आवेदन जमा करना है और क्या प्रोसेस है, तो बोला गया फ्रेंड्स पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र, आपको एक आवेदन पत्र भरना है। अब आवेदन पत्र कहाँ मिलेगा, तो फ्रेंड्स जो अनुमंडल है उसके आसपास में आपको मिल जाएगा या अनुमंडल में आप पता कर सकते हैं। उसके बाद से बोला गया है कि अगर आप जो है यहाँ पे बोला गया कि पालीगंज में कार्यालय अवधि में दिनांक 30 अप्रैल 2021 की संध्या 5 बजे तक
मतलब जो आपको फॉर्म फिल करना है उसके रिलेवेंट आपको अपना सर्टिफिकेट जो मैट्रिक का है उसके वजह से शैक्षणिक योग्यता, अगर आप कंप्यूटर ज्ञान रखते हैं तो उसकी जानकारी यहाँ पे देंगे, उसका सर्टिफिकेट भेजेंगे आपको जो है 30 अप्रैल के पहले पहले जो है निबंधन डाक के माध्यम से जो है पालीगंज जो अनुमंडल कार्यालय है वहाँ पर आपको भेज देना है। तो ये यहाँ पर जानकारी बताई जा रही है। अब यहीं पर बोला गया कि आयु और शैक्षणिक योग्यता क्या बोली गई है, तो आपकी निम्नतम आयु जो है 18 वर्ष होनी चाहिए तो ही आप यहाँ पर एलिजिबल है। मैक्सिमम यहाँ पर नहीं बताया गया, मतलब 40, 50, 60 तक भी यहाँ पर आवेदन लिया जा सकता है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपकी जो है मैट्रिक पास अगर है तो आप यहां पे आवेदन कर सकते हैं। बोला गया है कि कंप्यूटर ज्ञान रखने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी, अगर आपके पास कंप्यूटर का ज्ञान है तो आपको जो प्राथमिकता दी जाएगी, नहीं भी ज्ञान है तो भी आप यहां पे आवेदन कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं। लेकिन मान के चले जिसके पास कंप्यूटर का ज्ञान है, जिसके पास नहीं है तो जिसके पास ज्ञान है उसको पहले जो है सिलेक्शन मतलब लिस्ट में शामिल किया जाएगा आपके विरुद्ध, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे जितना आप क्वालिफिकेशन रखते हैं सबका क्वालिफिकेशन का डिटेल्स आप जो है जरूर सेंड करिएगा, उससे क्या होगा कि आपकी जो है वरीयता प्राथमिकता जो है ज़्यादा दिया जाता है। और यहाँ पे परसेंटलाइज भी देखा जाता है, एज भी देखा जाता है, और आप मैक्सिमम जहाँ तक पढ़ाई की है उसकी जानकारी, कंप्यूटर का ज्ञान रखने वाले तभी आपका सिलेक्शन होता है। अब यहाँ पे देखिए सारी इन्फॉर्मेशन बताई गई कि कौन कौन आवेदन नहीं कर सकता है, किसको किसको आवेदन नहीं दिया। जैसे मान लीजिए मुखिया हुआ, सरपंच हुआ, वार्ड सदस्य हुआ, पंचायत समिति, जिला परिषद के सदस्य, विधायक, इस सबको जो है नहीं दिया जाएगा। अगर ये लोग आवेदन करते हैं तो इनको जो है नहीं दिया जाएगा, और जो है एक परिवार से एक ही लोग यहाँ पर आवेदन करेंगे, ये यहाँ पे जानकारी बताएगी, आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। अब जिसे यहाँ पे बोला गया चयन प्रक्रिया, तो यहाँ पे जब मान लीजिए आप आवेदन करेंगे तो इसका जो है अनुमंडल में ही जो है एक निकलेगा सूची, उस सूची में अगर आपका नाम आ जाता है, जिला स्तरीय एक जो है सूची निकाली जाएगी, तो जैसे आपका नाम आ जाएगा उसके बाद से आपको जो है 1000 रुपये का जो है ट्रेजरी चालान जो है आपको लगाना पड़ेगा नाम आने के बाद, अभी नहीं, अभी तो आप आवेदन करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, और जैसे आपका नाम आ जाएगा, चयन आपकी हो जाएगी, उसके बाद जो है आपको 1000 रुपये का जो है ट्रेजरी चालान के माध्यम से जो है आपको जमा करना होगा अनुमंडल पदाधिकारी के पास। देखिए यहाँ पे बोला गया अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा अनुगति निर्गत की जाएगी। अब यहाँ पे बोला गया है कि कहाँ कहाँ जो है जन वितरण प्रणाली के दुकानों को कोटिवार रिक्तियों का विवरण यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो प्रखंड का नाम विक्रम, मतलब जो है पालीगंज में विक्रम एक प्रखंड है, वहाँ पे जो है ग्राम पंचायत देख सकते हैं वीरधौर बेरर कटारी में, यहाँ पे देखिए रोस्टर बिंदु संख्या बताई गई है, यानी टोटल जो है 17 पदों पे यहाँ पे बहाली निकाली गई है, और यहाँ पे रिक्तियों की जो है आरक्षण बताई गई है कि किस वर्ग के लोग यहाँ पे आवेदन करेंगे तो उनको जो है ज़्यादा दी जाएगा। अगर मान लीजिए इस वर्ग के लोग आवेदन नहीं करते हैं, किसी और वर्ग के लोग आवेदन करते हैं तो उनको सिलेक्शन दे दिया जाता है। तो अगर उसमें आता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अनुसूचित जाति है, अगर मान लीजिए इस जगह पे अनुसूचित जाति जो है आवेदन नहीं करता है, दूसरा कैटेगरी आवेदन करता है तो उसको दे दिया जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। दुल्हीन बाजार यहाँ पे जगह है, वहाँ पे भी यहाँ पे निकाला गया, जैसे काब है, राजीपुर है, राजीपुर है, तो ये यहाँ पे जगह है। मतलब टोटल यहाँ पे जो है 17 जो है रिक्त पदों पे जो है यहाँ पे राशन डीलर की बहाली निकाली गई है। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, पूरी जानकारी मैंने यहाँ पे आपको दिया, ये जानकारी यहाँ पे आपको निकल के आ रही है। इस वीडियो को फ्रेंड्स लाइक जरूर करिएगा ताकि हमें मोटिवेट मिले और भी इसी तरह का वीडियो लाने के लिए। और मैं जो है लगातार इस पर निगरानी कर रहा हूँ, लगातार जो भी वैकेंसी आ रही है राशन डीलर की हर एक जिला वाइज, पंचायत वाइज, तो मैं जो है लगातार निगरानी कर रहा हूँ और उसको मैं जो है लगातार पब्लिश कर रहा हूँ। आप जो है जाके देख सकते हैं, मैं जो है लगातार वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, लगातार मतलब ऑलमोस्ट ये मेरा 5वां या 4वां वीडियो है जो मैं यहाँ पे राशन डीलर पे बहाली निकाल रहा हूँ। तो ये फ्रेंड्स एक बाइक नहीं आता है पूरे बिहार के लिए, ये जो है अनुमंडल वाइज जो यहाँ पे बहाली निकाली जाती है। एक बार आप जरूर यहाँ पे पढ़ लीजिएगा पूरी इन्फॉर्मेशन को ताकि आपको समझ में आए कि जो है क्या है। मैंने जो है सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया, नोटिफिकेशन भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात आती है फ्रेंड्स आपको जो है किस प्रकार से पता करना होता है कि आपके क्षेत्र में कब आएगा, कैसे आएगा। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना होता है, न्यूज़पेपर पढ़नी होती है। देखिए काफ़ी ज़्यादा मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, आप सबको मैं बता दूँ न्यूज़पेपर के माध्यम से ही सारी जानकारी जो है पता चलती है। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं उस डिस्ट्रिक्ट साइज को जो है न्यूज़पेपर आपको जो है पढ़ना पड़ेगा, और उसी के माध्यम से जो यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाला जाता है, और उसी नोटिफिकेशन के माध्यम से हम लोग भी जानकारी यहाँ पे देते हैं। तो आप जिस भी जिला से आते हैं उस जिला का नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पढ़िएगा तो आपको जो है पता चल जाएगा कि कब बहाली आएगी, कब आने वाली है। वैसे अगर आपको ज़्यादा परेशानी है तो फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन के दबा लीजिए। मैं हर एक डिस्ट्रिक्ट का जो लगभग यहाँ पर जानकारी शेयर कर देता हूँ कि किस डिस्ट्रिक्ट में जो है आने वाली है और आई है, तो आप यहां पे देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये है पूरा इन्फॉर्मेशन राशन डीलर बनने के लिए। और भी जानकारी पढ़ना चाहते हैं तो आपको मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है dshelpingforever.com की, यहां पे आके जो है इसकी जानकारी आप पढ़ सकते हैं कि कैसे आवेदन करना है, कौन आवेदन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, ये जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। नोटिफिकेशन भी यहाँ से आपको मिल जाएगी। फ्रेंड्स मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए DS Helping Forever। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।